नमस्कार, SSN Solution चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2016 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2017 में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 41 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है 41, सपोज x 0 to infinitive is continuous, okay? हमें x 0 to infinitive में continuous दिया हुआ है and x 0 equals to 0 दिया हुआ है। If x t whole square is less and equal to plus 0 to t x of s ds for all t is greater and equal 0, then which of the following is true? Okay, हमें ये वैल्यू दी हुई है, तो ये जो फोर ऑप्शन है इनमें हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर में हमें x रूट टू की वैल्यू बिलोंग्स करवाई जा रही है, तो हमें x ऑफ t का मान निकालना होगा और वहां से हम t का मान रूट टू रख के इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, तो पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है हमारे पास x of t का होल स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल टू प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t x of s ds। इसका हम डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास वैल्यू होगी 2x of t dx of t अपॉन में dt इज लेस एंड इक्वल कांस्टेंट का 0 प्लस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो रूल अप्लाई कर लेंगे हम, तो ये बनेगा 0 टू t डेल अपॉन में डेल t x ऑफ s ds प्लस t का करेंगे अपर लिमिट का, तो ये बन जाएगा फंक्शन हमारा x ऑफ t, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो फंक्शन में यहां आ जाता है। इसका करेंगे हम डेल t बाई डेल t, लोअर लिमिट का करेंगे तो माइनस एक्स ऑफ टी डेल बाय डेल टी और यहां होगा हमारा जीरो, तो ये बनेगा हमारे पास टू एक्स ऑफ टी डी एक्स ऑफ टी बाय डी टी इज लेस एंड इक्वल जीरो। यहां एस का फंक्शन है, हम टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा जीरो। यहां टी का टी के रेस्पेक्ट में एक्स ऑफ टी रह जाएगा, जीरो का जीरो बनेगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई टू एक्स ऑफ टी डी एक्स ऑफ टी डी टी इज लेस एंड इक्वल एक्स ऑफ टी। ओके, इसे हम सेपरेट करें तो ये इसके अपॉन में आएगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास वैल्यू होगी टू डी एक्स ऑफ टी इज लेस एंड इक्वल डी टी। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2x of t is less and equal t plus a constant c, okay? A constant c, हमें conditions दी हुई है, x of 0 equals to 0, ये condition हम यहाँ apply करें, t की value 0 पे, x का मान 0, तो ये बनेगा हमारा 0, is less and equal 0 plus c, implies करके 0 से ग्रेटर एंड इक्वल होगा सी। यहां हम इसे सी मान सकते हैं, कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि यदि हमने यहां सी राइट हैंड साइड में अप्लाई किया है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो राइट हैंड साइड में ही ऐड हो, यदि हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती, 2x ऑफ t प्लस c इज लेस एंड इक्वल t, ये भी हम इसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट राइट में और लेफ्ट में किसी भी साइड में ऐड हो सकता है, और यदि यहां हम बाउंड्री ये कंडीशंस अप्लाई करते तो ये बनता हमारा c इज लेस एंड इक्वल 0, दैट मींस ये कंडीशन और ये कंडीशंस तभी सेटिस्फाई होगा जब c खुद क्या हो, 0। ओके, तो यहां हम c का मान क्या मान सकते हैं, 0, तो हमारे पास 2x ऑफ t की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई हमारी t, वो क्या आ गई हमारी t इज लेस एंड इक्वल t, तो यहां से हमारे पास x ऑफ t का मान क्या आ गया, लेस एंड इक्वल t बाय 2। हमें किस पे मान पूछा है, रूट 2 पे, तो
तो रो टू के ऊपर हम इसका मान निकालेंगे, तो एक्स ऑफ रूट टू के ऊपर इसका मान होगा रूट टू बाई टू इक्वल टू वन अपॉन में रूट टू। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई कि x और रूट टू का मान वन अपॉन रूट टू हो सकता है या इससे कम हो सकता है। अब ये तो इससे अपर बाउंड वैल्यू हमें मिल गई, लोअर बाउंड हमें दी हुई है क्या है जीरो, लोअर बाउंड जीरो, अपर बाउंड हमारी वन अपॉन रूट टू। इसका मतलब x रूट टू हमारा किसमें बिलोंग्स करेगा जीरो वन बाई रूट टू में, ओके इसके अंदर हमारे पास में ये बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ हमारे पास में ये जीरो टू वन अपॉन रूट टू है, यहाँ टेन से स्टार्ट है तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, यहाँ भी हमारा जीरो कहीं नहीं है ये भी डिस्कार्ड हो गया, यहाँ जीरो थ्री बाय रूट टू है और यहाँ जीरो टू है। ओके इन दोनों ही ऑप्शन में हमारे पास में वैल्यूज आ रही है। अब इनमें भी हमें ज्यादा एक्यूरेट सॉल्यूशन कौन सा होगा वो हमें देखना है, क्योंकि पार्ट बी का है तो एक ही ऑप्शन हमारा राइट होगा। यदि ये पार्ट सी का होता तो हम ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फर्स्ट दोनों को ही राइट मान लेते, बट पार्ट बी का है तो हमें एक ऑप्शन बताना है। अब यहाँ हम देखें जीरो वन अपॉन जीरो वन रूट टू, ये जो इंटरवल है ये किसमें बिलोंग्स कर रहा है हमारा जीरो थ्री बाय रूट टू में बिलोंग्स कर रहा है, और ये भी किस में बिलोंग्स कर रहा है हमारा ये इसमें कंटेन कर रहा है, और ये भी हमारा किस में कंटेन कर रहा है जीरो टू में। ओके तो यहां इस इंटरवल के अंदर थ्री रूट टू टू टू, ओके ये इन दो के बीच में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट है जिनका इससे कोई मतलब नहीं है। इस इंटरवल में यहां से यहां तक जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जबकि इसके अंदर इस इंटरवल में ये पॉइंट्स नहीं आ रहे। इसका मतलब इन दोनों में ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, इन दोनों में ज्यादा एक्यूरेट हमारा ये होगा क्योंकि इनमें इतने पॉइंट्स नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मोर एक्यूरेट जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा ऑप्शन सेकंड होगा, और ऑप्शन फर्स्ट हमारा कम एक्यूरेट सॉल्यूशन होगा। यदि पार्ट सी का तो दोनों ऑप्शन राइट होते, लेकिन यहां हमें एक चूज करना है दो राइट आंसर में से, तो हम वो आंसर चूज करेंगे जो ज्यादा एक्यूरेट होगा, जो सॉल्यूशन के ज्यादा पास होगा। तो यहां हमारा ऑप्शन सेकंड और आंसर के ज्यादा पास है तो ऑप्शन सेकंड हम राइट मानेंगे और ऑप्शन फर्स्ट को हम कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ द ODE y dash t equals to minus y cube plus y square plus 2y subject to y of 0 equals to y 0 belongs कर रहा है हमारा 0 to interval में, then limit t tends to infinity y of t belongs to, okay? तो हमसे इसका मान पूछा गया है। अब यहां हमारे पास में जो इक्वेशंस दी हुई है इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करें फिर इसका हम मान निकालें, तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं हम। तो y डैश t इक्वल्स टू माइनस y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y, ओके यहां हम देखें तो हमारे पास में y कॉमन है, माइनस y हमने कॉमन ले लिया, यहां से हमारे पास में वैल्यू बनी y स्क्वायर माइनस y y स्क्वायर माइनस y माइनस 2, इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस y इनटू फैक्टर बनेंगे y माइनस 1 y प्लस 1 और y माइनस 2, ये हमारे पास में इसके फैक्टर बन गए। अब यहां हम इसको सेपरेट करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं dy by dt लिख सकते हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसको हम सॉल्ट कर रहे हैं y of t की वैल्यू हम y से रिप्रेजेंट करके, इक्वल में है हमारे पास में माइनस वाई वाई प्लस वन वाई माइनस टू, सेपरेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बनेगी हमारे पास डी वाई अपॉन में y इंटू वाई प्लस वन
वाई माइनस टू इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब यहां हमारे पास में तीन फैक्टर्स हैं, इनको हम सेपरेट करेंगे, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमने y लिखा, यहां हमने y प्लस वन लिखा, यहां हमने y माइनस टू लिखा। अब यदि इनकी पावर वन है तो हम ट्रिकली इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, यदि वन से ग्रेटर देन है तो हमें इनको पार्शियल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके फिर इनकी वैल्यू निकालनी होगी। ट्रिक क्या है, ये हमारा y किसके ऊपर जीरो बनेगा, y जीरो के ऊपर जीरो बनेगा, तो आप इसको हटा दो, बची हुई वैल्यू में आप y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा वन, और यहाँ माइनस टू मल्टीपल है तो ये बना हमारा माइनस टू। ये हमारा किस पे जीरो बनेगा, y इक्वल्स टू माइनस वन के ऊपर। तो हमने क्या किया, इसको तो हमने क्लोज कर दिया, जहां जहां y है वहां वहां हमने माइनस वन रखा, तो ये माइनस वन, ये माइनस थ्री, माइनस थ्री को माइनस वन से करेंगे तो प्लस का थ्री। ये हमारा y इक्वल्स टू टू के ऊपर जीरो बनेगा, तो इसको आप क्लोज कर दो, बची हुई वैल्यू में आप y की वैल्यू 2 पुट अप करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 3, 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारे पास इसको हमने सेपरेट कर दिया, ये हमारा dy equals to minus dt, इसे हम इंटीग्रेट करें तो ये बनेगा माइनस का 2 log y प्लस 3 log y प्लस 1 प्लस 6 log y माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट, लॉग में है तो हमने लॉग में कॉन्स्टेंट ले लिया लॉग c। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बदले होगी हमारे पास में, यहां हमारे पास में लॉग हम कॉमन लेंगे तो लॉग यहां बनेगा y प्लस वन की पावर q, ओके, यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो अपॉन में आएगा, ये हमारे पास में हमने ऊपर लिया, ये वन अपॉन में वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ हमारे पास में ये बनेगा वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई सिक्स, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई सिक्स, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी लॉग, यहां से हमारे पास में लॉग ये पॉजिटिव, तो y प्लस वन की पावर वन बाई थ्री, यहां से log, सॉरी log हमने ले लिया, तो y माइनस टू की पावर वन बाई सिक्स, और ये हमारा माइनस में है तो नीचे आ जाएगा y की पावर वन बाई टू इक्वल्स टू हमारे पास में वैल्यू है, यहां बनेगा c e की पावर माइनस टी, c e की पावर माइनस टी माइनस टी प्लस लॉग सी, ओके, यहाँ हमारे ये वैल्यू एज इट इज, यहाँ एज इट इज, अब हम लॉग को हटाएंगे तो हमारे पास में वैल्यू बन जाएगी, तो जैसे हम लॉग को कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी वाई प्लस वन की पावर वन बाई थ्री, वाई माइनस टू की पावर वन बाई सिक्स अपॉन में वाई की पावर वन बाई टू इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस टी। अब हमें कंडीशंस दी हुई है, हमें कंडीशंस दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल्स टू y 0, और y 0 हमारा 0 टू 2 में बिलोंग्स कर रहा है, तो यहां यदि हम 0 वैल्यू पुट अप करते हैं t का मान, तो हमारे पास में ये कंडीशंस बन रही है, तो इस ऑप्शंस को हम रहने देते हैं, यहां से हमारे पास c की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, हम ये कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं यहां, तो हमने क्या अप्लाई किया, हमने लिया लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी y ऑफ t, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इसका हम इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास में कंप्लीट, दोनों साइड हमने लिमिट अप्लाई कर दी, तो y प्लस वन की पावर वन बाई थ्री, y माइनस टू की पावर वन बाई सिक्स, y की पावर वन बाई टू इक्वल्स टू c लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी e की पावर माइनस टी। यहां जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा e की पावर माइनस इनफिनिटी, इसका मान हमारा जीरो बन जाएगा, तो यहां से जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी हमारी y ऑफ प्लस वन की पावर 1 बाई थ्री, वाई माइनस टू की पावर 1 बाई सिक्स,
इक्वल में हमारा जीरो है तो इसका मान हमारा जीरो बन जाएगा। अब यहां से जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी वो वैल्यू या तो हमारा वाई प्लस वन की पावर वन बाई थ्री जीरो या फिर हमारा वाई माइनस टू की पावर वन बाई सिक्स हमारा जीरो, ये दो में से कोई एक जीरो होगा। यदि हमारे पास में y प्लस वन की पावर वन बाई थ्री जीरो है तो यहां से हमारे पास में वैल्यू बनेगी y प्लस टू माइनस वन, क्यूब करेंगे जीरो का क्यूब जीरो, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। या फिर हमारे पास में ये वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू टू, तो हमारे पास y की वैल्यू माइनस वन एंड टू आ रही है इसे सॉल्व करने पर। और हमारे पास में कंडीशन में ऑप्शन है जीरो भी दिया हुआ है। यदि हम y की वैल्यू जीरो पुट अप करें इक्वेशन में तो ये जीरो जीरो जीरो, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी हमारे पास में जीरो आएगा। दैट मीन्स y की वैल्यू जीरो भी इसे सेटिस्फाई कर रही है। और यहाँ हम y की जो वैल्यू है वो जीरो है और कांस्टेंट के ऊपर हम लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट का मान भी हमारा कांस्टेंट ही होता है। तो यहां से हमारे पास में y का मान जीरो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये y के हमारे पास में सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, ये बिलोंग्स करेगा हमारा माइनस वन जीरो, माइनस वन एंड जीरो इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है। सेकंड में माइनस वन एंड टू, माइनस वन एंड टू हमारा इसके अंदर आ रहा है, तो माइनस वन भी इसका पॉइंट है और टू भी इसका पॉइंट है। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें तो ऑप्शन थर्ड है हमारे पास में, ऑप्शन थर्ड में जीरो एंड टू, तो जीरो एंड टू भी हमारे पास में वैल्यूज आ रही है। तो हमारे पास इसके जो राइट आंसर होंगे वो होंगे हमारे पास में ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, बट आंसर की में ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड को राइट माना गया है, बट यहां हमारे तीनों ही ऑप्शन राइट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन नंबर 92। इफ द सॉल्यूशन टू डीयू बाई डी एक्स, ओके, क्वेश्चन में यहाँ डीयू बाई डी एक्स दिया हुआ था और डीयू बाई डी एक्स ये क्वेश्चन हमारी सॉल्व नहीं हो रही थी तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। यदि यहाँ यू की वैल्यू वाई होती तो इसे सॉल्व करके हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते थे, तो यहाँ हम डी वाई बाई डी एक्स लेकर के इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन हमारे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू टू, एक्स की कंडीशन ग्रेटर देन जीरो पे ये वैल्यू, अदरवाइज हमारे ये एग्जिस्ट इन द इंटरवल जीरो, क्लोज इंटरवल जीरो एंड ओपन एल वन एल जीरो एंड द मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू जेड स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जीरो, जेड ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन हमें कंडीशंस दी हुई हैं, इज क्लोज इंटरवल जीरो एंड ओपन एल वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, इसे हम सॉल्व करें तो यहां हमारे पास में पहले हम डी जेड बाई डी एक्स को सॉल्व कर ले, सिंपल है। तो यहां से हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा इस इक्वेशन में डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर, यहां से हमारे पास में वैल्यू बनेगी डी जेड बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, और ये बन जाएगा हमारा माइनस वन बाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। हमें कंडीशन दी हुई है जेड जीरो इक्वल टू वन, ओके, हमें कंडीशन दी हुई है जेड जीरो इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स हम एक्स का मान जीरो रखें तो जेड का मान हमारा वन। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, जेड का मान हम जीरो रखें तो हमारे पास में सॉरी एक्स का मान हम जीरो रखें जेड का मान वन, तो ये बनेगा माइनस वन इक्वल्स टू सी, तो सी का मान आ गया हमारा माइनस वन। दैट मीन्स हमारे पास जो जेड की वैल्यू आई जेड इक्वल्स टू
हमारे पास वैल्यू बनी वन अपॉन में, वन अपॉन में हम ये वैल्यू यहां पुट अप करेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस वन। ओके, हम जेड यहां लेकर के जा रहे हैं और ये इसको इसके नीचे लेंगे तो माइनस को भी हटा रहे हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा वन माइनस एक्स। ओके, तो हमारे पास ये जेड किस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ जीरो से ग्रेटर देन है और एन वन से लेस देन। तो यहाँ हम देखें कि यदि एक्स का मान वन है तो वन के ऊपर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जीरो से ग्रेटर देन और मैक्सिमम वैल्यू जिससे लेस देन इंटरवल में ये एग्जिस्ट करेगा तो वो वैल्यू क्या होगी हमारी, जीरो टू वन। वन यहाँ ओपन इंटरवल होगा क्योंकि वन हम यहां नहीं रख सकते, तो इस इंटरवल में ये एग्जिस्ट करेगा। दैट मींस हमारे पास में एल वन का मान क्या आ गया, वन। तो हमारे पास एल वन का मान लेस देन टू, इसका मतलब हमारे पास में 1.5 भी यहाँ एल वन हम ले सकते हैं जो कि हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि वन लास्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। और टू से ग्रेटर देन है, ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि जीरो स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है हमें, तो जीरो से वन से ज्यादा हम जा नहीं सकते, तो ये दो ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए। बाकी फर्स्ट और सेकंड में हमें एल वन का मान वन दिया हुआ है, तो यहां से हम एल जीरो की कंडीशंस लेंगे। अब यहां हमें वैल्यू दी हुई है डी वाई बाई डी एक्स, नेक्स्ट हमें इक्वेशन दी हुई है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करें तो इसे हम सेपरेबल वेरिएबल्स की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए कोई इंटरवल एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हम यूनिकनेस एग्जिस्टेंस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। तो इसे हम एफ ऑफ एक्स वाई मानते हैं। क्या है इसकी प्रोसेस, वो प्रोसेस हम देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई हमारा हो गया, हमें कंडीशंस दी हुई है, हमें कंडीशंस वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू टू दिया हुआ है, तो यहाँ हम x और y की जो वैल्यू लेते हैं वो a और b हम आर्बिट्रेरी मानते हैं। ओके, ये इसका रूल होता है। x माइनस माइनस क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है हमें वैल्यू, जीरो। तो x माइनस जीरो मॉड इज लेस एंड इक्वल हम a लेंगे, एंड y माइनस y का मान क्या दिया हुआ है हमें, टू, मॉड इज लेस एंड इक्वल b। तो यहां से जो हमारा f ऑफ एक्स वाई होगा इसका मोड, ये हमारा लेस एंड इक्वल, हमारे पास में क्या वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मोड से, और यहां हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये लेस एंड इक्वल होगा हमारा ए स्क्वायर, और यहां से हमारे पास में वैल्यू बनेगी बी प्लस टू का होल स्क्वायर। ओके, यहां से एफ ऑफ एक्स वाई का जो मोड है वो निकालेंगे और इसे हम लेस देन मान लेते हैं एम से, क्योंकि ये बाउंडेड लेते हैं हम एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम के लिए। तो यहां हमने एम ले लिया और यहां जो इंटरवल है वो इंटरवल एग्जिस्ट करेगा मोड एक्स इज लेस देन एच, वेयर वेयर ये जो एच होता है ये होता है हमारा मिनिमम, ए अपॉन में बी अपॉन में एम। और ये जो एम है, ये एम हम किसको मानते हैं, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम एम लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा मिनिमम ए और बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू का होल स्क्वायर। अब यहां हम देखें तो यहां हमारे पास में बी है और यहां हमारे पास में बी प्लस टू का होल स्क्वायर है, यहां प्लस ए स्क्वायर है, That means हमारे पास ये जो वैल्यू होगी, अब यहां हमारे पास में ए स्क्वायर है ये ग्रेटर एंड इक्वल जीरो होगा, बी प्लस टू का होल स्क्वायर है हमारे पास में, ये भी हमारा ग्रेटर देन होगा बी से, तो यहां ये कंडीशंस है, तो इसमें यदि हम ऐड करें ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू का होल स्क्वायर, ये हमेशा इस बी से ग्रेटर देन होगा, तो यदि हम इसका डिवाइड करें तो b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा लेस देन 1 होगा। इसका मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू में ये हमारे पास में लेस देन 1 आ रहा है, तो ऑप्शन में हमारा जो ये इंटरवल है
ये इंटरवल वन से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, एच होगा। तो यहाँ इसका मान हमारा लेस देन वन आ रहा है और ए का मान हमारा ए है। तो यहाँ हम अब ऑप्शंस पे चेक करें तो यहाँ एल जीरो का मान वन से ग्रेटर देन है, और एल जीरो क्या है हमारे पास में, एल जीरो ये इंटरवल है, तो इंटरवल में वन से ग्रेटर देन हो नहीं सकता क्योंकि इसका मान क्या है हमारा वन से लेस देन, और वन से लेस देन हमारा मिनिमम होगा क्योंकि वन से ग्रेटर देन मिनिमम नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब यहां हमारे पास में कंडीशन है एल जीरो वन या वन से ग्रेटर देन, तो एल जीरो का मान यहां हम अप्लाई करें, हमारे पास में एल वन का मान वन, तो हम यहां वन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका मान L1 का हम 1 रखेंगे तो 1 से लेस देन में आ जाएगी हमारे पास में कंडीशन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे जून 2017 में आए हुए प्योरली डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस के कंबाइंड क्वेश्चन है, तो उनके सॉल्यूशन आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे जो कि जून 2017 के लेक्चर्स के नाम से है, वहां आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दिसंबर 2017 के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।